हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे यहाँ पे, हेयर वी ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम वन इनर्शियल सिस्टम टू अदर। यहाँ पे हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं और दो फ्रेम, हर एक फ्रेम यहाँ पे एफ डैश है और एक फ्रेम यहाँ पे एफ है। इन दोनों के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन मानी गई है, जो फ्रेम एफ डैश है वो वी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है और फ्रेम जो एफ जो माना जाता है वो रेस्ट पे माना जाता है। ठीक है, इनिशियली जब ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो इनिशियली क्या होता है, ये जो दोनों फ्रेम है हमारे, दोनों ही क्या होते हैं, एक जगह पे कोइंसाइड करते हैं। इट मीन्स ये जो फ्रेम आपका एफ डैश देख रहे हो आप, ये जो यहाँ पे उठा के हम यहाँ पे इस पे रख देते हैं। जब स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे दोनों के दोनों फ्रेम स्टार्टिंग में सेम ही पोजिशन पर थे। फिर क्या होता है, ये जो आपका फ्रेम एफ डैश है ये वी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहा होता है। अब ये जो है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हेयर ओरिजिन ऑफ बोथ द सिस्टम कोइंसाइड एट t = 0। जब टाइम जीरो है, t = 0 मतलब स्टार्टिंग टाइम है, तब क्या हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट्स कोइंसाइड कर रहे थे। आफ्टर टाइम t क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो आफ्टर टाइम t कितना मूव कर जाता है, v इंटू टी। उस समय पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई पॉइंट P है, इसके लिए दो ऑब्जर्वर हैं, हमें हमारे ऑब्जर्वर O डैश और यहाँ पे ऑब्जर्वर O, ये दोनों ही इस P पॉइंट को देख रहे हैं और उनके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, अपने इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे x डैश की पोजीशन आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए इस P पॉइंट, दो पोजीशन हैं यहाँ पे इसकी, x y z t एंड देन x डैश y डैश z डैश t डैश। एक्स वाई जेड टी हमारा कोऑर्डिनेट्स एफ के लिए है और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश हमारा कोऑर्डिनेट्स, सॉरी, फ्रेम एफ डैश के लिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, जब ये वी वेलोसिटी तक मूव कर गया तो एक्स डैश बराबर हमारा क्या होगा, पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा कितना, x माइनस वी इंटू टी। तो एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस वी इंटू टी, एंड y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z एंड t डैश इक्वल्स टू t। उसमें कोई भी चेंज हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ये फ्रेम है ये बिल्कुल x एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, y और z एक्सिस के अलोंग इस केस में हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पोजिशन। ठीक है, हमने यहाँ पे पोजिशन देखा है। अभी तो हमने बात करी कि हमारा जो फ्रेम है, दोनों जो फ्रेम है एफ और एफ डैश, वह एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मतलब मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो फ्रेम एफ डैश हमारा एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है फ्रेम एफ यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन पे। अब केस टू देखेंगे यहाँ पे, जिस केस में क्या होगा, हमारा जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो केस टू, केस टू में क्या कंडीशन है, केस टू में क्या हो रहा है कि आफ्टर केस टू में क्या है, आप ये पहले देख लो कि यहाँ पे दो फ्रेम हुए उसी की तरह एफ डैश एंड एफ, और अब की बार फ्रेम जो एफ डैश है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ना होके किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब की बार जो फ्रेम हमारा एफ डैश है वो हमारा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी वजह से अगर ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर ये मान लीजिए वी वेलोसिटी के साथ ये फ्रेम मूव कर रहा है एफ डैश हमारा विद रिस्पेक्ट टू एफ, देन यहाँ पे अगर इसकी वी वेलोसिटी हम निकालते हैं तो वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप, क्योंकि हम जो वेलोसिटी निकालेंगे तीनों डायमेंशन में उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर जब ये मूव करता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी जब टी इज़ टू जीरो टाइम था तो ये स्टार्टिंग में यहीं पे था, जब टाइम टी के बाद क्या हो गया, कुछ मूव कर गया, तो यहाँ पे चेंजेस आपको जो पोजीशन में जो चेंज होगा वो आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, वी एक्स इंटू टी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वी वाई टी और जेड एक्सिस के अलॉन्ग वी जेड इंटू टी आफ्टर टाइम टी। देन वी कैन इजली फाइंड द पोजिशन हेयर, यू कैन सी दैट एक्स डैश इजकल्स टू एक्स माइनस वी एक्स टी, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में पूरी जो एक्स है यहाँ पे ये, एंड देन इसकी पोजिशन अगर हम इस रेस्पेक्ट इस ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए इस पोजिशन को निकालें तो एक्स डैश क्या होगा यहाँ पे ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए, एक्स डैश बराबर होगा एक्स माइनस टोटल एक्स माइनस वी एक्स इंटू टी। सिमिलर वे में वाई डैश हमारा क्या होगा यहाँ पे, जो वाई डैश है इसके लिए ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए, वाई डैश बराबर होगा टोटल, ठीक है, टोटल वाई माइनस वी वाई टी। ठीक, इसी तरीके से z डैश इजकल्स टू z माइनस वी जेड टी एंड t इजकल्स टू t जेड, क्योंकि टाइम दोनों के लिए इक्वली रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फोर पोजीशन है यहाँ पे, बट जब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारा जो एफ डैश है उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन में यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। इससे पहले वाले में सिर्फ एक्सेस के अलॉन्ग यहाँ पे वेरिएशन हो रहा था, ठीक है। अब इसी में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसी जो इक्वेशन जो हमारे टू आई है, अगर इसको हम टी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि अब हम जो हमने अब हम निकालेंगे यहाँ पे पोजीशन के लिए हम निकाली, अब हम वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। देन अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन टू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, देन यू कैन सी दैट डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इजकल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी एक्स टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश इजकल्स टू डी वाई अपॉन डी टी माइनस वी वाई टी, एंड डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश इजकल्स टू डी जेड अपॉन डी टी माइनस सॉरी यहाँ पे ये वी एक्स हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो वी एक्स टी क्या हो जाएगा, वी एक्स, ये वी वाई एंड ये वी जेड। यहाँ पे थ्रू चेक कर लेते हैं आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश जिसका डी एक्स अपॉन डी टी, जब हमने टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन टू को, तो हमारा ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी एक्स, को टी के रेस्पेक्ट में टी कैंसिल होगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमने वाई डैश में भी, इसी तरीके से हमने जेड डैश में भी हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो हमारी जो इक्वेशन है हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम रब कर देते हैं तो हमारे डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यू डैश अलॉन्ग एक्स एक्सिस इजकल्स टू यू एक्स माइनस, ठीक है, वी एक्स। इसी तरीके से यू वाई डैश इजकल्स टू यू वाई माइनस वी वाई, एंड यू जेड डैश इजकल्स टू यू जेड माइनस वी जेड। अब यहाँ पे तीनों इक्वेशन आप देख रहे हैं जनरल फॉर्म, अब अगर इन तीनों की हमें एक जनरल फॉर्म में लिखें, देखो इसको मैंने लिखने का सिर्फ मेथड बदला है कि डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को हमें क्या लिख सकता हूँ यू एक्स डैश, डी एक्स अपॉन डी टी को कह सकता हूँ मैं यू एक्स, और माइनस वी एक्स। सिमिलर वे में मैंने इन दोनों को भी ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को मैंने क्या लिखा है यू एक्स डैश, डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखा है मैंने यू एक्स, और यहाँ पे वी एक्स की जगह वी एक्स ही रहे। इसी तरीके से मैंने इसको भी चेंज किया, इस तरीके से मैंने इसे भी चेंज किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके अगर इसे मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा मेरा u माइनस, ठीक है, u माइनस यहाँ पे जनरल फॉर्म में यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी, ठीक है। इसे आप जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पे क्या बचला है u, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए आप यहाँ पे u डैश बराबर u माइनस वी, इसे अगर जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो u डैश इजकल्स टू u माइनस वी, ठीक है। इसे अगर हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन को, जनरल फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो u डैश इजकल्स टू u माइनस वी। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया वेलोसिटी का, क्योंकि ये u डैश किसके लिए वेलोसिटी है आपकी, इस फ्रेम के लिए, ठीक है। u डैश आपका जो आ गया फ्रेम f डैश है उसके लिए वेलोसिटी है, वो बराबर किसकी है u, u यहाँ पे किसके लिए वेलोसिटी है फ्रेम f के लिए, एंड माइनस वी, वी वेलोसिटी के साथ तो ये मूव कर ही रहा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो आपका पोस्टुलेट्स का आइंस्टीन जो पोस्टुलेट का था उसको यहाँ पे, ये जो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे अगर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे ये फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है चाहे वो किसी भी फ्रेम हो, चाहे वो फ्रेम एफ डैश हो चाहे वो फ्रेम एफ हो, दोनों में क्या रहती है सेम। बट अगर तुम यहाँ पे देखते हो, अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्रेम एफ में अगर हम मानते हैं सी, तो हमारी वो यू डैश मतलब इस फ्रेम एफ डैश में वो कितनी हो जा रही है सी माइनस वी। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट दोनों ही फ्रेम में क्या हो रही है हमारी चेंज। इस वजह से ये जो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा वेलोसिटी के केस में यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन का केस आता है तो वो वैलिड बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसे आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इक्वेशन आपको अगर आप अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं डी एक्स या फिर आप डी एक्स स्क्वायर डैश अपॉन, या इसे आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे डी एक्स है, इसको अगर आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे ए एक्स डैश इजकल्स टू ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे वी एक्स क्या है कॉन्स्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा जीरो। तो इस केस में एक्सेलरेशन तो दोनों केसेस में क्या रहेगा सेम।
तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन का जो केस है वो तो रहता है सेम, बट हाँ वेलोसिटी का जब ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो वेलोसिटी हमारा दोनों ही फ्रेम्स में अलग 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 आती है, जिसकी वजह से जो आइंस्टीन का पोस्टुलेट था वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वैलिड नहीं होता है। इस वजह से हम एक दूसरी इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं, बाद में हम इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन है इसको उस कॉन्सेप्ट को लेके चला जो यहाँ पे ये फेल हो गया था। ठीक है, थैंक यू, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।